हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फूडी टैंक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फूडी टैंक द्वारा प्रस्तुत समर ड्रिंक रेसिपीज के एपिसोड नंबर 8 में। ये हम एक नई सीरीज लेके आए आपके लिए, जिसमें हम कुछ ऐसी ड्रिंक्स बनाना सिखाएंगे आपको, जो आपको इस भीषण गर्मी में ठंडा ठंडा और कूल कूल रखेगी। और आज की रेसिपी तो बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि ये हम बनाने वाले एक बहुत ही फेमस टॉफी, जो सबकी बहुत ही फेवरेट है, पल्स से। जी बिल्कुल दोस्तों, बचपन में टॉफी और कम्पट तो हम सभी ने खाए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उससे आप बहुत ही अच्छी ड्रिंक बना सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आज हम आपको बताते हैं, और आज हम आपको सिखाएंगे भी कि कैसे आप 1 रुपए की टॉफी से एक बेहतरीन ड्रिंक बना के तैयार कर सकते हैं और सारे मेहमानों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक फूडी टैंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस चीज़ का है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 15 टॉफी ले ली है पल्स की, और साथ में ले लिया एक बोल। और अब करना क्या है, इन टॉफियों को रैपर से बाहर निकालना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस रेसिपी में जो सबसे मेहनत वाला काम है ना, वो बस इसी स्टेज पे है। एक एक करके जो टॉफी को रैपर से निकालने में जो आपको टाइम लगेगा ना, वही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बाकी तो ये रेसिपी ऐसे मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पल्स टॉफी के चटकारे तो आप सभी को बहुत पसंद आए हैं, लेकिन इसकी जब ये ड्रिंक बन के तैयार होगी ना, तो उसके भी चटकारे कम नहीं होने वाले। और देखिए, बातों ही बातों में सारी टॉफी हमारी छिल चुकी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे एक पन्नी ले ली है। आप इस तरीके की कोई भी पन्नी ले सकते हैं, मोटी पन्नी का इस्तेमाल कीजिएगा, ये ध्यान रहे। और अब हमारी जितनी भी पल्स टॉफीज हैं, उनको हम इस पन्नी में ट्रांसफर कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद बीच में से मैं एक ऐसे फोल्ड लगा रही हूँ। अगर आपके पास ऐसी कोई पन्नी ना हो, तो आप इसकी जगह जो पापड़ बनाने वाली पन्नी होती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब आपको क्या करना है, आपको बस एक बेलन लेना है और इसको पीटना शुरू कर देना है। इसको अच्छी तरीके से हमें कूट लेना है, बहुत फाइन पाउडर इसका हमें नहीं तैयार करना है, एकदम दरदरा दरदरा आप इसको अच्छी तरीके से कूट लीजिए। और ध्यान रहे, इसको आप मिक्सी में मत चलाइए, क्योंकि मिक्सी में जब आप इसे चलाएंगे तो क्या होगा, घर्षण पैदा होगा, और घर्षण से जो टॉफ़ी है हमारी, वो जमनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप कूटेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका पाउडर बनके तैयार होगा, और बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी होगी उस पाउडर की। तो चलिए अब इस पाउडर को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं वापस से बोल में। और ये देखिए, हमारी टॉफ़ी कितनी अच्छी तरीके से दरदरी दरदरी कूट चुकी है। तो बस चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास पानी, और साथ ही में इसमें जाएगा 4 बड़े चमचे चीनी के। जी हाँ, चीनी इसमें ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे पल्स टॉफी से एक कॉन्सेंट्रेट तैयार कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपकी आगे ड्रिंक बनेगी। और अब बस गैस ऑन करके हमें चीनी को इसमें मेल्ट करना है पानी में। हमें कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी, केवल शुगर को मेल्ट करना है और उसमें 2 बॉयल लाने हैं। तो ये देखिए, शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और हमारा 2 बॉयल भी आ चुका है। तो बस आगे बढ़ते हैं, और जो हमने पल्स टॉफी कूट के रखी थी ना, वो इसमें हम ऐड करेंगे। और ध्यान रहे, आँच आप मीडियम ही रखिएगा। और अब बस इसे धीरे धीरे इस तरीके से हिलाते हुए डिसॉल्व करना है हमें इस सिरप में। इनिशियली जो आपकी टॉफ़ी है वो थोड़ी सी चिपकेगी, आप घबराइएगा नहीं, बस आपको उसे इस तरीके से चलाते हुए पकाना। और ये देखिए कि इस तरीके से हमारी टॉफ़ी ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुकी है। देखिए, मैं आपको स्पैचुला बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि बहुत ही कम टॉफ़ी हमारी बची जो डिसॉल्व नहीं हुई है। और ये देखिए, पल्स का जो लाइट ग्रीन कलर होता है, वो हमारे कॉन्सेंट्रेट में आ चुका है। और अगर इस स्टेज पे आप चाहें तो ग्रीन कलर का फूड कलर भी मिला सकते हैं इसमें, इसको और हरा बनाने के लिए, या फिर आप टॉफ़ी और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें मैं निचोड़ रही हूँ 1/2 नींबू का रस, और उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। और गैस को कर दीजिए बंद, और अब आपको इसको ठंडा करना है, और उसके बाद हम अपनी ड्रिंक बनाना शुरू करेंगे। ठंडा करना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये चीनी है ना, तो चीनी अपना फॉर्म भी तो लेगी, थोड़ा सा कंसनट्रेट हमारा गाढ़ा भी तो होगा। तो चलिए, कॉन्सेंट्रेट हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब मॉकटेल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है, और उसमें ऐड करेंगे हम बर्फ़। आफ्टरऑल आपको ठंडा ठंडा रखना है ना। और बर्फ़ के साथ ही इसमें जाएगा हर शरबत का साथ ही 1 लेमन का रिंग। और अब बस इसमें स्वाद अनुसार ऐड करेंगे अपना बनाया हुआ कॉन्सेंट्रेट। ये देखिए, मैंने इसे एक बॉटल में भर लिया है, और आप यकीन मानिए, इसे तैयार करके रखिए, पूरी गर्मी से कुछ नहीं होगा, ये फूडी टैंक की गारंटी है। पर हाँ, रखिएगा फ्रिज में ही। तो चलिए, इस ड्रिंक को हम पोर कर लेते हैं हमारे ग्लास में। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 बड़े चम्मच कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल किया है इस शरबत को बनाने के लिए। आप जितना मीठा और जितना खट्टा पसंद करते हैं, उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेट ऐड कीजिएगा ग्लास में। और ये देखिए, हमारा कॉन्सेंट्रेट ऐड हो चुका है। तो चलिए, अब रेसिपी को आगे बढ़ाती हूँ, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटा हुआ कच्चा आम। जी हाँ, पल्स हमारी कच्चे आम से बनती है, तो थोड़े से कच्चे आम के टुकड़े मुँह में आएंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे लगेंगे।
जी बिल्कुल। और अब इसमें हम ऐड करेंगे प्लेन सोडा। प्लेन सोडा से जो फिजीनेस आएगी ना वो लाजवाब है, वो इस ड्रिंक को एक किक देगी और इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी। प्लेन पानी में इसका मज़ा उतना नहीं आएगा, तो आप भी सोडे का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए कितनी बेहतरीन और रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमारी बनी है। चलिए इसको हम गार्निश कर देते हैं एक नींबू के स्लाइस के साथ। और ये देखिए दोस्तों हमारी सुपर रिफ्रेशिंग, सुपर डिलीशियस और सुपर टेस्टी पल्स का शरबत बनके तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और घर में सबको ये बहुत ही पसंद आएगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। और हाँ, इस पल्स की ड्रिंक की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा ताकि इस भीषण गर्मी में सभी को आराम रहे। तो दोस्तों बहुत हुए पल्स टॉफी के चटकारे, इस ड्रिंक के चटकारे लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। और हाँ, ये चटकारे लेने से पहले अगर आपने अभी तक फूडी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके फ़ोन की घंटी ज़रूर से ज़रूर बज जाए। तो चलिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक फूडी टाइम की ओर से ta-da!